उसके बाद अब जा ये आवाज आई है भैया, भाई आवाज आ रही है, नहीं छोड़ बंद कर चुप रहो, बस चुप रहे क्यों, आवाज है वैसे ही है, गड़बड़ भी हो जा खेत है यही है ना, हमारा खेत यो ही है भाई। और वो अगले वाला ताऊ का जो डूब गया, वो ताऊ का है डूब गया, जो इसमें पानी चला रहा था मैं, इसमें तो गाइस पानी चलाते चलाते एक मिनट रुक जाओ अभी अभी नहीं बताना, बाद में बताना। सो भाई नमस्कार सभी को, हाथ जोड़ के सबसे पहले तो मेरा, और ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे ताऊ के बेटे और मेरे कजन हैं। अब क्या होता ना, आज मैं गांव में आया हुआ था, आप वो मेरा व्लॉग देखोगे ना जो कि आज सुबह आ चुका होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसी व्लॉग में ही मजे मजे में बात शुरू हुई और इस वीडियो की स्टार्टिंग। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको, मजे मजे में भैया से भूतों की बातें होने लगी और इन्होंने कहा मैं तेरी वीडियो देखी है और भूत होते हैं। अब इसमें मेरा देखो पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग है, इनकी क्योंकि मैंने बातें सुनी ना, तो इनकी वही बातें थी जो हम बचपन से गांव में सुनते आ रहे हैं लोगों से, अपने बड़े बूढ़ों से। तो भैया आपकी अभी उम्र कितनी हो चुकी होगी अपनी? मेरी 59 साल, मतलब 60 साल में कम। कितनी बार भूत देखा है? मैं कई बार, फिर भी कम से कम 4-5 बार। 4-5 बार 60 साल की उम्र में 4-5 बार भूत देखा आपने? कैसे देखा आपने भूत? देखो गाइस मैं सबसे पहले बताता हूँ, थोड़ा सा हमारा ना अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारा, भाई जमुना के पास में हमारे खेत हैं, यहाँ सब चुहाने भी फूकते हैं रात को बार। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको, इनकी लैंग्वेज भी है कि शायद कईयों को समझ में ना आए। पानी चलाते थे तब टेंट पेंट भी लगता था भूतों का, बुलाते वैसे पानी चलाते हुए किसी को भी, मेरे को तो बुलाया भी है, मेरे रसगुल्ले भी खिलाए हैं। ये मेरे को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि हम बचपन में सुना करते थे। नहीं मैं ना बुआ के यहाँ रहा करता था भैया, भूत क्या करेगा, जिस टाइम रसगुल्ले खाएगा भूत कहता है बाद में, उनको भाई लको ना लिए, मतलब छुपा मत लियो, छिपाने के बाद जेब में ना रख लिए। थोड़ी सी है ना भैया हिंदी बोलने की कोशिश करना। हाँ उसमें क्या है ना, अपनी ऑडियंस को अपनी ठेठ लैंग्वेज खड़ी बोली समझ में नहीं आने की। अच्छा तो वे जेब में कहते हैं जेब में ना लकोइए, मतलब जेब में मत रख लियो, क्यों वे बोलते हैं नाक में थोड़ा गुनगुना के उसमें। हाँ उनके बंद कर लो ना, टॉर्च क्यों जला रखी है। हाँ उनके पैर भी पीछे को होते हैं, आगे को एड्डी होती है भूतों की, मतलब पैर उनके उल्टे होते हैं बेसिकली, उल्टे होते हैं। ये कहना चाहते हो आप कभी भी? अच्छा ये क्या हो रखा है भाई, इसका वो गिर गया शायद, हाँ इसका फ्यूज गिर गया भाई, लाइट का फ्यूज गिर गया कहीं, योरा मिल गया तो अंधेरे में ठोक दूंगा मेरे यार भाई ये थोड़ा सा हमारी भैया का नुकसान ना हो जाए, ये टॉर्च का फ्यूज गिर। अच्छा ये क्या हो रखा है, ये इतना पानी यहाँ तक कैसे आ रखा है? यहाँ से जमुना करीब 2 किलोमीटर है? नहीं तो, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है। हाँ। जमुना नदी यहाँ से 1 किलोमीटर है, लेकिन अभी जो बाढ़ आई है ना उसमें ये जाम खड़े है ना, अभी पानी आया हुआ है, अभी और आएगा पानी, अभी और पानी आया हुआ है। नहीं ये जो हम खड़े हैं ये भी तो डूब गया था अभी थोड़े दिन टाइम पहले, गांव तक पानी पहुंच गया था, यहाँ तक पहुंच गया था है ना सरकारी, तो अपने सारे खेत में पानी भर गया था। हाँ हाँ तो अभी हमारे जो ये खेत है भाई साथ में तो पूरा डूबा हुआ था, ये सब डूबे हुए थे। हाँ। और ये यहाँ से नीचे उतर रहे हैं एक रैंप, और सामने आप देख सकते हो, आ जाओ थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, यहाँ पर बड़े मशहूर किस्से हैं छलावे के, वो भी भैया बता रहे थे कुछ इस वीडियो में, मजा आएगा आपको, पूरी वीडियो देखना गाइस, स्किप मत करना, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। देखो मेरा नमस्कार, क्या आप T20 विन जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप लोग जानते हैं कि खेलने के लिए आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट को कैसे चुनें। आज मैं आपके सामने एक नया और ट्रस्टेड गेम प्लेटफॉर्म पेश करना चाहता हूँ, T20 विन, जो आपके लिए बिना बोर हुए खेलने, समय बचाने, सुरक्षित रहने और हर दिन पैसा कमाने का मौका देने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। T20 विन्स में आपके लिए खेलने के लिए बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे कार्ड्स, स्लॉट्स, स्पोर्ट्स और लाइव फिशिंग। बस इतना ही नहीं, T20 विन में कई ऑफर भी है, जैसे साइन अप बोनस 109 रुपीज, लक्की रूलेट पर 100% विन पर स्पिन, मंथली कैशबैक ऑफर, VIP ऑनर क्लब, लेटर बोनस और कमीशन पाने के लिए T20 एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें, एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स, गेट बोनस अप टू 9,999 रुपीज। आप सभी के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छे ऑफर्स आए हैं, मोनेटाइजेशन और गेम्स को एंजॉय करें एंड गेट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड ऑफर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। डाउनलोड T20 ऐप एंड रजिस्टर
योर अकाउंट, लिंक इज इन पिंड कमेंट। हाँ तो भैया आप बताओ क्या बता रहे हो आप, ये जो ये अपना ये एक तो ये खेत है अपने, मुझे तो भाई यही नहीं पता अपने खेत कहाँ कहाँ है। ये सब मैं डूब गए थे ये खेत भी। अच्छा पानी में। अच्छा इसमें सब मैं जब हम उतर रहे जो भी पानी था यहाँ जब तो। हाँ ये मेरे को भी पता है सारा पानी था। हाँ। जहाँ हम उतर रहे हैं ना इस टाइम। हाँ। गाइस ये कम से कम एक मंजिल नीचे रैंप आ रहा है, ये सब पूरा पानी भरा हुआ था यहाँ पे काफी टाइम पहले। अब आके बीच में घट भी गया था पानी बहुत। अब जो वो पेड़ है ना यो है। उस पेड़ के भी बड़े किस्से है। हाँ। हाँ। क्या किस्से है उसके, ताऊ भी बता रहे थे। अरे इस पेड़ के तो बहुत किस्से है, यहाँ से तो ज्यादातर यही भूत मिले है। हाँ कैसे। अरे मैं पानी चला रहा था, हमारा खेती तो यही है। हाँ। इसमें पानी चलाते चलाते। हाँ। मैं लेट रहा था पानी। हाँ। चलाते हुए। हाँ। पता है आपको पहले के टाइम पे ना गांव में पानी चलाने के लिए रात को अभी भी आना पड़ता है भैया। हाँ अभी आ जा रात को। रात को पानी चलाने अभी आते हैं। हाँ। फिर तो रात को पानी चलाने आता हूँ। हाँ। तो चलाते चलाते मैं लेट गया, 12 बज गए। हाँ। मगर बस 2:30 बजे 2 घंटे में भरेगा। हाँ। मगर तू लेट जा। हाँ। लेटते लेटते। हाँ। वो साला गया इतने में भूतों का रात के 12:30 बजे। हाँ। भूत आए। हाँ। भूतों का टेंट भी लग रहा सारे काम। बेसिकली क्या होता है ना आपको विजुलाइज होती है ऐसी ऐसी चीजें, नाचना कूदना सब। हाँ। कुछ होता है ये गांव के लोग मानते। हाँ। भाई और तो उसके बाद वे खाने को जो कहते हैं सब खा खू लेते हैं। हाँ। वे कहते हैं कोई नहीं तो ना गया, नाक में बोलता है। अच्छा नाक में बोलते हैं इनका कहने। हाँ। का मतलब ये है। अच्छा तो वे कहते हैं इनको वो रह रहा उसको। हाँ। बुला के लो। अच्छा जैसे अभी हम आपने ये कहा था कि चाहे हम 2 जने हो चाहे 3 जने हो चाहे 4 जने हो सबको दिख जाएगा। हाँ। है? हाँ। और वो अटैक भी करते हैं, हमला भी करते हैं क्या? हमला नहीं करते जो एक। अच्छा ये जो एक कहते हैं अटैक छलावा करता है अटैक। अच्छा भूत नहीं करता है कभी। भूत नहीं अटैक करता नहीं तो वो बस भूत तो अटावा प्यार से रहेगा, कोई डरेगा नहीं कुछ नहीं। हाँ। डरना नहीं चाहिए कभी। अच्छा भी। अच्छा दिखे तो डरे नहीं। डरे ही रहते हैं वे। हाँ। उस टाइम पे तो। हाँ। तो उनके पैर ही बस पीछे को होते हैं, एड्डी आगे को होती है। हाँ। अब हमारे पंजे तो आगे हैं। हाँ। पैर एड्डी पीछे है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं ये सब पूर्वजों की जो हमारे जो है थोड़े से बड़े बूढ़े इनकी सोच है, ये डिस्क्लेमर दे दूं कि हम हमारा ऐसी कोई भी चीज़ से मतलब मैं इन रियलिटी को से कमी मानता हूँ भैया कि ऐसे भूत आते हैं शायद मैंने देखा नहीं अब तक। आप कह रहे हो आपने देख लिया। मैं तो देख चुका हूँ। 4 बार देख चुके हो? 4 बार। आप बताओ मेरे को क्या क्या हुआ था। पहली बार आपके इसको कैसे दिखाई दिया? पहली बार मैं खेत में पानी चला रहा था। हाँ। पानी चलाते चलाते लेट गया मैं, अभी तो भरेगा लेट ही। उसके बाद मैं लेटा हुआ था, मैं देख ध्यान तो करा नहीं कुछ भी। उसके बाद टेंट लग रहा ईख में बिल्कुल बाका देता सल्ली का। उसमें बर्फी भी रसगुल्ले भी सारी चीज थी। उसके बाद। हाँ। वे जब खाना खुना खा खू के। हाँ। उसके बाद कहते हैं वे उनको कोई रह तो नहीं गया। हाँ। एक कहला उनको मुँह रह रहा उसे लो बुला के। अच्छा मुझे ले गए बुला के। मैं खाने खाया भी है, रसगुल्ले भी खाए, सब चीज खाई। अच्छा उसके बाद। हाँ। वे कहते हैं भाई जेब में न रखिए, लको न ले जाइए। हाँ। वे लकोने के बाद वे बता भी देते हैं। हाँ। लको लकोएगा तो बाद में गू बन जाएगा, इसलिए खूब कुछ नहीं कहते हैं वे, तसल्लीदा आराम से खाओ को मौज लो, उन कोई दिक्कत नहीं है। और छलावे का जो छलावा है। हाँ। छलावा तो कभी गधा बन गया। हाँ। कभी घोड़ा बन गया। आपने देखा है? हाँ। कैसे भागता दौड़ता रहता है वो तो, सफेद कपड़ों में भी रह जाता है कभी। आप कहाँ बता रहे थे, कहाँ देखा आपने छलावा? हमारे गांव के पास में ही है, गेट जो था। हाँ। गेट के पास क्या हो गेट के पास में अब तो भट्टा लगा हुआ है। हाँ, भट्टा पहले बाग था वहाँ। हाँ, आम बाग। हाँ, आम का बाग था, मेरे को याद है आम का बाग था। हाँ। ये तो आप बहुत साल पहले की बात बता रहे हो, हम छोटे छोटे थे जब तो घने छोटे तो शायद पैदा भी ना हो जाओ ना। मेरे को याद है जब मैं 4-5-6 साल का था जब तक वो एक बाग था जिसमे हम जाने से डरते थे, वो बहुत घना बाग था आम का। वो तो नहर के पास में था वो। अच्छा नहर के पास ही तो बता रहा हूँ मैं। नहीं वो तो पहले भट्टे की जड़ में ही था। तो ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है। दशा की पेड़ थे। आपने लास्ट बार ऐसा कुछ कब फील किया था? अच्छा तो मैं घूमने चले जा रात को। इग्नोर कर दी मेरी बात। लैटरिंग वैटरिंग करने चले जाए तो तब देखा था मैंने भूत। आपने लास्ट टाइम कब देखा? लास्ट टाइम जो देखा कितने साल हो गए इन बातों को? लास्ट टाइम हुआ था 92 का, 1992। 1992 के बाद कभी नहीं देखा ऐसा कुछ? उसके बाद तो आने को पीपा तो नहीं रखी थी? नहीं है ना, कि मैं उस टाइम पे पीता ही नहीं था, मैं बीड़ी भी नहीं पीता था।
अच्छा हाँ। तो उस टाइम क्या देखा? यही सारे देखे, खूब तसल्ली था, भूत भी सब। तो भाई और आप मेरे को कह रहे थे अभी कि तेरे को अकेले नहीं जाने दूंगा। भाई अकेले यहाँ पर डर लगता है भाई। नहीं डर से तो मैं साला देख लूंगा अकेले। छड़ावा तो जो छड़ावा होगा भाई वो अटैक भी कर देगा। कैसे? कभी हाथी बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी शेर बन गया, मार देगा। मार देगा भी वो। अच्छा हाँ। तो गाइस बेसिकली है ना यहाँ पर क्या है, जैसे कि ना मैं बता देता हूँ, ये देखो पूरी ये जमुना नदी नीचे तक आ रखी है। तो इस टाइम पर ना क्या होता है, हमारे जो खेत है ना गांव में है ना, शमशान घाट बेसिकली पर्टिकुलर नहीं होते हैं। हमारे जो लोगों को जलाया जाता है वो मुर्द घाट कहते हैं। हाँ वो शमशान, वो जमुना के किनारे ही जलाया जाता है। अभी जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ कपड़े वपड़े पड़े हैं, इधर आ जाओ। आ जाओ भाई राकेश, आ जाओ भैया, दिखा देता हूँ मैं आपको। पिछली बार जब मैं आया था ना तो लोगों को यहीं जला रखा था, यहीं फूका हुआ था। क्या हो गया, कुत्ते क्यों गुर्रा रहे भाई? ये तो भैया पहले ये तो ईंक होगी यहाँ तो। यहाँ मैंने मुर्दे जलते हुए देखे हैं। हाँ मुर्दे जले थे। हैं? जलते थे। तो अब ये ईंक कर दी इधर को भाई। अब जा इधर ईंक बोल लगे अपने खेतों में। हाँ भाई शमशान घाट उधर बना दिया ने। अच्छा इसीलिए पर्टिकुलर यहाँ पे शमशान घाट बन चुका है क्या? ओके पहले ऐसा शमशान घाट नहीं बना हुआ था? नहीं कोई नहीं शमशान घाट था। तो पहले अपने अपने जो लोग थे जमुना किनारे वो खेतों में ही। हाँ किनारे पे फूंक के अपने चले जाते। अभी भी करते हैं? अभी भी। अब भी करते हैं, थोड़ा भीतर कर देते। अभी भी मतलब खेतों में ही। हाँ। लोग है ना अपने मिट्टी में ही जाना यहाँ पे लाग ज्यादा पसंद करते हैं। अपना खेतों के किनारे पे भी लगाया। हाँ जमुना के पास में ही अड़ा के। हाँ अपना वही जला दिए। हाँ और चल दिए अपने घर। फिर आ गए तीसरे दिन अपना राख रूख चला दिए। पता है क्या मैं क्या सोचता था कि कभी कभी है ना यहाँ पर कोई राख ऐसे जल रही होगी साइड में या फिर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो मैं वहां पे जाके लेट जाऊंगा। शायद हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस हो, भूत दिखे। अच्छा मुझे भूत देखना है तो क्या करना पड़ेगा ये बताओ आप। भाई भूत तो रात के 12-1 बजे होता है वो तो उनका। अभी 12 ही तो बज रहे हैं। अब प्रोग्राम उनका हो जाए 12 बजे 12:30 बजे रोशनी के उससे तो नहीं होता ना, इसलिए रोशनी के उससे भी। रोशनी तो है ही नहीं कहीं आसपास। भाई रोशनी के उससे हम भी खेत खात में जावे तो अंधेरे में दिख रहे हैं। अपना बैटरी वैटरी तो रखी है। हाँ भाई थोड़ा टॉर्च वोर्च से काम कर लें अपना। अच्छा जब आपने ये देखा इंसिडेंट। हाँ। जो टेंट वेंट लगा था। हाँ। अगले दिन आए तो ऐसा कुछ था नहीं? कुछ भी नहीं, जो है मेरा खेत खड़ा नहीं यही की। हाँ। ऐसे ही मिला सुबह ही। और वो ईंक वीक साफ रखी थी शाम को? रात को सपा नहीं ठीक ही पाया नुक्को नहीं। नहीं जब रात को टेंट लगा हुआ था तो ईख भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टेंट लग रहा उनका सारा। भूतों का तो ऐसे ही होता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे? भाई वे अपना भूतों का उसी हिसाब से ही होता है कि खाली खेत भी है हमारा तो खाली था। हाँ। मैं तो पानी चला रहा खाली। हाँ। में। अच्छा अपने गांव में हर एक ने भूत देख रखा है ना? ज्यादातर बहुत ने देख रखे। बड़े बुड्ढों से मैंने बात करी थी भाई जो 80-85 बजा रहे भी। तो आपने भी 1992 में देखा था लास्ट? हाँ। उसके बाद से कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं करा? उसके बाद जमुना में कटे पीछे हमारे खेत नहीं लिखे यहाँ आई नहीं। उसके बाद अब जा ये आवाज आई है भैया। भाई आवाज आ रही है। नहीं छोड़ बंद कर है? चुप रहो बस। चुप रहे क्यों? आवाज है वैसे ही है, गड़बड़ भी हो जा। आवाज आई नहीं अभी आपको? आवाज तो धीरा किस क्लियर है। हाँ आवाज आई है। क्या हो सकता है साले, CRPR हो? हाँ कोई हिसाब हो सकता है। CRPR हो सकते हैं? शेर भी पा सके, चित्ते वगैरह भी पा जाएंगे इधर की साइड। और क्या जमुना की जंगलात है, आ जाएंगे जमुना में निकल के, कोई भरोसा है। अच्छा ये नहीं पता था मुझे यहाँ चीते आ जाते हैं। और क्या है इसमें, जंगलात है जमुना के बीच में ही, पेड़ पौधों की बहुत जंगलात है, पूरे सब पेड़े खड़े। अच्छा और क्या? उत्तरी फिर से आई आवाज। अरे चल कुछ नहीं छोड़, कुछ ना है। तो भाई एक छोटा सा देसी पॉडकास्ट हॉन्टेड लोकेशन पर, आई होप आपको मजा आया होगा। देखो ये वीडियो बिल्कुल रैंडम थी,
कोई प्लान नहीं था इस वीडियो का। ऐसे आप मेरा व्लॉग देखना, उस व्लॉग में मैं गांव में आया हूँ अपने बुआ के, हमारे यहाँ सावन में कोथली चलती है, बहुत सारे बंदे जानते होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो देने आए थे, तो ऐसी बात चल पड़ी व्लॉग में, तो मस्ती में हमने आ गए यहाँ पे भैया के साथ। अरे बाद में खा लेना भैया भैया ने अपना सौदा निकाल लिया खाने का पहले ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी छोटी मोटी तुच्छ पुच्छ वीडियोस ज़रूर आती रहेंगी, लोकेशंस की भी आएंगी, हॉन्टेड लोकेशंस की भी आएंगी, सारी आएंगी। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब जिसने अब तक नहीं करा कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, और हाँ अब जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना आपको एक नए ऑप्शन दिखाई देगा इंस्टाग्राम के लिंक के नीचे की इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल गाइज, उसमें आपके लिए ना स्पेशल ये होने वाला, जैसे कि ये वीडियो आपको कल या परसों देखने को मिलेगी दारियल वन पे, लेकिन एक दिन पहले आपको उस ब्रॉडकास्ट चैनल से इसका लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट चैनल को जाके ज्वाइन करो, आप और मैं डायरेक्ट कनेक्ट, और आप और मैं डायरेक्ट मैसेजेस करेंगे, बात करेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी आपके साथ किसी ऐसी भी लोकेशन में मिल सकते हैं, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, बस कर दो अब सब कुछ, ठीक है, बाय।